हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। ये सेकेंड पार्ट है आपका ओबीजी एमसीक्यूज की, क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट आपको लास्ट क्लास में मिल चुकी है इसी चैनल पे, एंड सेकेंड पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपके ओबीजी के हो गए हैं, फिर आपका एमएसएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सभी सब्जेक्ट की करवा दी जाएंगी क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, आपके नॉर्सेट में आने की ज्यादा चांसेस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया गया है। देखिए, ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, ऑर्डर मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शंस टू ए वोमन विद प्री एक्लेम्सिया, यानी कि ऑब्स गैनी जो डॉक्टर ऑब्स डॉक्टर उनके द्वारा क्या ऑर्डर दिया गया, मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शंस देने को ऑर्डर दिया गया, और साथ में क्या है, पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया इसलिए दिया जा रहा है मैग्नीशियम सल्फेट। नर्स टू अंडरस्टैंड डाइट दी पर्पस ऑफ दिस इंजेक्शन इन दिस क्लाइंट एज। यहाँ पे देखिएगा, नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट द पर्पस ऑफ दिस इंजेक्शन इन दिस क्लाइंट इज, किस पर्पस के आधार पे, किस उद्देश्य के आधार पे वो इंजेक्शन देंगी, क्या समझती है नर्स की उस इंजेक्शन को देने से क्या रोका जा सकता है। तो रिड्यूस ब्लड प्रेशर किया जा सकता है, रिड्यूस प्रोटीन यूरिया, या प्रिवेंट सीजर, या फिर प्रिवेंट प्री टर्म लेबर। चार ऑप्शन दिया गया डियर। इसमें आपका प्री एक्लेम्सिया है, यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया है जो एक्लेम्सिया से पहले होता है। इसमें हाइपरटेंशन होगी, 140/90 बीपी रहेगा, उससे बढ़ा मिलेगा, प्रोटीन यूरिया रहेगी, तो इसमें आपका प्री एक्लेम्सिया में होगा, और एक्लेम्सिया में यदि रहेगा तो इसमें कन्वर्जन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया में है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, क्यों इस इंजेक्शन के बारे में डॉक्टर के द्वारा आदेश दिया गया लगाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट को, इसलिए। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी आएगा, कि हम सीजर को प्रिवेंट करने के लिए, उस दौरान जो आपको आई है आपके पास, तो उसको क्या करना, बहुत ही ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, सीजर आ रही है, तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना, मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन को प्रयोग करना है, एडमिनिस्टर करना है। देखिएगा, मेन एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन इज टू प्रिवेंट सीजर, जो मेन उद्देश्य होता है आपका, आप सीजर को प्रिवेंट करना। ठीक है, मैग्नीशियम विल एक्ट लाइक, देखिएगा, विल एक्ट लाइक कैल्सियम एंड इंटरप्ट सिग्नल ट्रांसमिशन इन हाइपर स्टिमुलेटेड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। मैग्नीशियम एक इंजेक्शन जो दिया जा रहा है, ये क्या करता है, इसमें ट्रांसमिशन के मतलब फैलना होता है, इसमें इन आपका हाइपर स्टिमुलेटर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के पार जाने में क्या करता है, इंटरप्ट करता है, यानी कि बाधित होता है। ठीक है, ये आपकी राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा सीजर को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे, नर्स वॉज असेसिंग या प्राइमरी पैरा मदर्स, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी पैरा मदर्स फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी इन द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। इमीडिएट क्या है, पोस्टपार्टम पीरियड। वन ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट आस्क द नर्स व्हाई सी इज यूजिंग बोथ हैंड्स, व्हाई सी इज यूजिंग बोथ हैंड्स, विच अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज करेक्ट फ्रॉम द नर्स। यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे कि प्राइमरी पैरा मदर्स आपके पास आई है, और ये वेजाइनल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड तुरंत होने यहाँ पे हो रहा है इमीडिएट, लेकिन वन ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट आस्क द नर्स, पूछ रही है नर्सिंग स्टूडेंट जो है नर्स से, कि सी इज यूजिंग बोथ हैंड, क्यों आप दोनों हाथ को यहाँ पे यूज किए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इज करेक्ट फ्रॉम द नर्स, निम्नलिखित में से कौन सा रिस्पॉन्स नर्स के द्वारा सही मिलेगा, कि आपको पीपीएस को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर यहाँ पे इनवॉल्यूशंस को, या फिर प्रिवेंट इनवर्शंस को, या फिर टू प्रिवेंट यूट्राइन अटोनी। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर।
बोथ हैंड से यूज करने का है कि वन हैंड से क्या करेंगे, वो हेड को पकड़ेगी, देन वन हैंड से उसको पैड हो या फिर कोई भी क्लोथ्स वगैरह उसको दोनों हैंड से सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इन्वर्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, इन्वर्शंस का मतलब गर्भाशय का जो होता है यूट्रस का उल्टा होना, ठीक है ना, बच्चा उल्टा होता है, ये आपका इन्वर्शंस है, जिसमें से आपका यूट्राइन इन्वर्शन जो होती है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है डियर ऑफ चाइल्ड बर्थ का, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यदि पूछेगा, यदि ऑप्शन रहता है तो आपका प्रिवेंट इन्वर्शन होगा, एट देखिए इन्वर्शन होगा, यूट्राइन इन्वर्शन होगा, ठीक है ना, उसको क्या करना, रोकना है आपको। तो इट रेफर टू क्या करता है, ये आपकी कोलैप्स ऑफ द फंडस इनटू द यूट्राइन कैविटी, जो इसकी रिस्क होगी, जो इसकी रिस्क ऑफ आपका मोर्टेलिटी किसके वजह से है, मोर्टेलिटी इसमें ड्यू टू हेमरेज या फिर शॉक के वजह से, हैमरेज होगा, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग ज्यादा होगा तो शॉक में पेशेंट जा सकता है, तो उसके कारण क्या होगी, डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन सी हुआ, यूजिंग बोथ हैंड ड्यूरिंग द पोस्ट पार्टम पीरियड टू पालपेट द यूट्रस, क्या करना है, यूट्रस को पालपेट करना विल हेल्प टू किसको, यूट्राइन इन्वर्शन को रोकने के लिए, ठीक है ना, रोकने के लिए। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट है, फैमिली प्लानिंग रूम नर्स वॉज एजुकेट किया जा रहा है ओमेन रिगार्डिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्ट। यहाँ पे देखिएगा फैमिली प्लानिंग रूम में जहाँ पे परिवार नियोजन किए जाते हैं या फिर उसके आसपास के रूम में क्या किया जा रहा है आपका, एजुकेट किया जा रहा है ओमेन रिगार्डिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, किसके रिगार्डिंग किया जा रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आते हैं माला एंड मालाडी, या फिर आपको हार्मोनल नॉन हार्मोनल टैबलेट छाया आई पिल्स सब आईजी पिल्स बहुत सारे अलग अलग सब है हार्मोनल और नॉन हार्मोनल टैबलेट, उसके बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एजुकेट की जा रही है वोमेन्स को। सी इंस्ट्रक्ट हर टू टेक पिल्स ऑन सेम टाइम एवरी डे, वो क्या कह रही है कि आप जब भी लेना है इस टैबलेट को तो लगातार डेली बेसिस पे आप सेम टाइम में एक ही टाइम में लेना डेली। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट बताने का पीछे का क्या रीजन था, क्यों ऐसा बताएं कि आप डेली बेसिस पे लेना एक ही टाइम पे, वो कभी भी तो ले सकती थी चाहती तो, कुछ तो कारण होगा जिसके वजह से हम सभी को ये बताते हैं मेडिकल स्टाफ जो भी होते हैं कि आप इस पिल्स को एक ही टाइम में जिस दिन छूट जाता है उसके नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, दो टैबलेट को एक साथ लेना है। ये चीजें आप भी एडवाइस किए होंगे जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है टू मेक इट एज रूटीन टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी, ठीक है ना, देन टू मेंटेन हार्मोनल लेवल इन द ब्लड एंड आपका प्रिवेंट ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, चार ऑप्शन दिया गया है इसके लिए। तो राइट आंसर जो होगा आपका, देखिए हमारा मेन जो होता है ब्लड में ह्यूमन में सबसे ज्यादा फीमेल में हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम आती है, इसको क्या करना है मेंटेन करने के लिए, हमारे ब्लड में इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए डेली बेसिस पे हम सेम टाइम लेने को एडवाइस करते हैं, बताते हैं जो भी हमारे पास आते हैं क्लाइंट उनको, ठीक है। सेम टाइम इनटेक एवरी डे विल हेल्प टू मेंटेन ब्लड लेवल ऑफ हॉर्मोन्स एंड ट्रस्ट दस प्रिवेंट द हाइपोथैलेमो या हाइपोफिशियल एक्सेस फ्रॉम सिक्रेशन ऑफ जो होगा, किसके सिक्रेशन होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटोनाइजिंग हार्मोन, इसको क्या करना है, दस प्रिवेंट द हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल को रोकने के लिए, इससे किसके जो सिक्रेशन हो रहा है देयर बाय प्रिवेंट द ऑवुलेशन, उससे क्या हो सकता है, ऑवुलेशन को रोका जा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं एक ही टाइम में लेने को एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमी पैरा मदर केम टू लेबर रूम, प्रेमी पैरा जो मदर है केम टू लेबर रूम विथ द कंप्लेन ऑफ पेन, वो आपके पास आई है लेबर पेन लेकर, नर्स असेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन एंड रिकॉर्डेड जब कर रही है तो क्या मिला उसको, फॉल्स पेन मिला। कभी कभी होता है ट्रू पेन फॉल्स पेन दोनों साइन है आपका लेबर की टाइप से, ट्रू पेन और फॉल्स पेन। तो विच अमंग द फॉलोइंग कुड हैव रिपोर्टेड बाय द मदर, रिपोर्टेड बाय द मदर्स, निम्नलिखित में से कौन सा मदर्स के द्वारा बताया गया, नर्स को रिपोर्ट किया गया, पेन इन द लोअर एब्डोमिन ओनली या हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस इज देयर या फिर बैग ऑफ वॉटर्स फॉर्म या फिर सर्विक्स जो है 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, क्या उनको बताया गया लेबर रूम में जब आप गए। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, उसने ये बताया कि हमारा लोअर एब्डोमिन में सिर्फ और सिर्फ पेन है, यानी कि पेट के निचले हिस्सा में ओनली मुझे पेन हो रहा है,
तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लेबर पेन जो होता है इंक्लूड्स पेन इन द लोअर एब्डोमिन होगा आपका, बैक में होगा, एंड रेडिएटिंग टू थिंग्स थाई रहेगा, यहाँ पे थाई है, THIGS, ठीक है, थाई, ठीक है, थाई ही है यहाँ पे। इट इज एसोसिएटेड विद हार्डनिंग ऑफ यूट्रस एंड सर्वाइकल डायलिटेशन। यदि आपको ये सारा करेक्टरिस्टिक्स मिलती है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ट्रू लेबर पेन का साइन है। इससे क्या होगा, डिलीवरी होगा यानी कुछ समय लगेगा, फर्स्ट टाइम है तो 18 से 20 घंटे, 18 से 24 घंटे, 24 घंटे के बाद यदि होता है तो प्रोलॉन्ग लेबर में चला जाता है वो। तो यहाँ पे देखिए, बैक एंड रेडिएटिंग टू थाई, इट एसोसिएटेड विद हार्डनिंग ऑफ यूट्रस एंड सर्वाइकल डायलिटेशन। बैग ऑफ वाटर आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है, एमनियोटिक सैक कहलाता है, विल बी प्रेजेंट होना चाहिए, और पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय एनिमा। एनिमा के द्वारा पेन को क्या करना है, रिलीफ नहीं करा जा सकता, ट्रू लेबर पेन रहेगा। तो ये सारा का सारा आपके करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, साइंस रहेंगे, तो आपको समझना है कि पेशेंट का ट्रू लेबर पेन है। वनली एब्डोमिन में पेट के निचले हिस्सा में दर्द रहेगा तो ये आपकी फॉल्स पेन ही हो रहा है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग अ क्लास ऑन पार्टोग्राफ द नर्स एजुकेटर अंडरस्टैंड दैट द क्लास वॉज इफेक्टिव इफ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट या कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्लास में क्या बताया जा रहा है पार्टोग्राफ के बारे में, वहां पे शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। वॉज इफेक्टिव द स्टूडेंट आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ। उनको, जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो क्लास में स्टूडेंट थे, उनको कितना ज्यादा प्रभावी हुआ, प्रभावित हुए वो समझाने के बाद, कितना अपने आप को गेन किए पार्टोग्राफ के बारे में। तो उसमें पूछा गया कि कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ कौन कौन सा है, लेकिन एक को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन कौन से कंपोनेंट होगा, घटक होगा पार्टोग्राफ का। तो सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटल हार्ट रेट, डिसेंट ऑफ हेड या फिर इफेसमेंट। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगी, इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा, नॉट में पूछा है कि नॉट या कंपोनेंट, मतलब पार्टोग्राफ जो हम फिल करते हैं ना, पार्टोग्राफ जब हम फिल करते हैं उसमें क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या चीजें हम उसमें फिल करते हैं। यदि आप में से कोई फिल किए होंगे तो आपको ये मालूम होगा। राइट आंसर इसमें कितना ऑप्शन डी होगा, इफेसमेंट, डी इज करेक्ट आंसर। इफेसमेंट क्या है आपका, ये इफेसमेंट जो होता है आपका थीनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स को क्या करता है, पतला एंड छोटा, इससे क्या होता है, डिलीवरी होने में, डिलीवरी होने के लिए प्रिपेयर रहता है, ठीक है ना, फॉर चाइल्ड बर्थ। जो ओमेन होते हैं ये आपका मीन्स बाय 100% इफेक्ट फॉर या वेजाइनल डिलीवरी, 100% इफेक्ट, ठीक है ना, फॉर वेजाइनल डिलीवरी के लिए रेडी हो जाते हैं, ये आपका इफेसमेंट कहलाता है। लेकिन जब हम पार्टोग्राफ फिल करने बैठते हैं तो उसमें 4 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन, तभी हम पार्टोग्राफ को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके मन में यदि नहीं आ रहा होगा या फिर नहीं जान रहे होंगे तो देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर रहेगा तभी आप पार्टोग्राफ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको धीरे 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 हर एक 4 घंटे में देखना, पीवी करना है विजानल, आपको पीवी करना है परवेजिना, ठीक है ना। उसके बाद यदि आपका नहीं बढ़ रहा, अलर्ट लैंड रहता है स्टार्टिंग, फिर एक्शन लैंड की ओर नहीं जा रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस नहीं कर रहा, सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो रहा सर्वाइकल डायलेशन, तो आपको क्या समझना है कि हो सकता है इसकी वेजाइनल डिलीवरी ना हो, नॉर्मल डिलीवरी ना हो, उसको LSES वगैरह करना पड़ा। तो यहाँ पे हम पार्टोग्राफ की बात कर रहे हैं तो ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। यहाँ पे पार्टोग्राफ में क्या है कि सर्वाइकल डायलेटेशन देखेंगे कितना हुआ है, फीटल हार्ट रेट भी देखेंगे, और डिस्टेंस ऑफ द हेड, हेड कितना मतलब कि माइनस प्लस में है, ये सारे चीजों को हम उसमें फील करते हैं। अब FHR, सर्वाइकल डायलेटेशन, डिस्टेंस ऑफ द हेड, कॉन्ट्रेक्शन पर 10 मिनट्स, ऑक्सीटोक्सिन डोज, ड्रग्स एंड IV फ्लूइड्स गिवेन, पल्स एंड BP ऑफ मदर्स, टेम्परेचर ऑफ मदर्स एंड यूरिन वॉल्यूम, प्रोटीन एंड यहाँ पे एसीटोन आर द कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ। ये सब जो हमारा है पार्टोग्राफ का कंपोनेंट है, घटक है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि पार्टोग्राफ का कंपोनेंट पूछता है एक्सेप्ट में तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा है, इसके अनुसार वहां पे राइट आंसर आपको करना है। नेक्स्ट, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ 3000 ग्राम, 3000 ग्राम वेनिंग बेबी बाय प्राइमरी पैरा मदर्स, डिलीवरी के बाद 3000 ग्राम यानी कि 3 kg है ना, यानी कि कितना, 3 kg का बच्चा हुआ। नर्स वॉज वेटिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, किसके लिए वेट कर रही थी, प्लेसेंटा के लिए। नर्सिंग स्टूडेंट हु वॉज विटनेसिंग द लेबर आस्क द नर्स, विटनेसिंग द लेबर आस्क द नर्स वॉट, यहाँ पे देखिएगा,
व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द प्लेसेंटा, कितना एक्सपेक्टेड किया जा सकता है प्लेसेंटा की वेट को, क्योंकि यहाँ पे 3000 ग्राम यानी 3 किलो का बेबी है, तो उसकी प्लेसेंटा का भार कितना होगा। व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स, नर्स के द्वारा क्या रिस्पॉन्स मिला, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 750 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या हुआ, तो इसमें देखेंगे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 500 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 3000 ग्राम है, और बेबी वजन और प्लेसेंटा का वजन को हम कैसे करते हैं, तो 1/6 में करते हैं, 1/6 में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तीन है, 3 भागा 6 कर दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो 0.5 कुछ ऐसा आएगा, जब डिवाइड कीजिएगा तो इसमें 500 यहाँ पे ग्राम में है, ठीक है ना। तो 500 ग्राम है तो राइट आंसर हुआ, 2 केजी के रहा था, 2 से 3 केजी, 4 केजी, ऐसे आपको क्या करना, 1/6 को निकाल लेना है और राइट आंसर आपको करना है, ठीक है। एज द टर्म एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द प्लेसेंटा इज 1/6 ऑफ द बेबी वेट, हेयर द बेबीज वेट इज 3000 ग्राम एंड देयरफॉर प्लेसेंटा वेट विल बी 500 ग्राम। नेक्स्ट, नर्स एजुकेटर वॉज टेकिंग क्लास ऑन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नर्स जो एजुकेटर थी वो किसके बारे में क्लास ले रही थी, किस टॉपिक पे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टॉपिक पे क्लास ले रही थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है उसके बारे में पूरा वो समझा रही थी क्लास में। फॉलोइंग क्लास सी आस्क द स्टूडेंट्स विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आस्क द स्टूडेंट विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पूछा गया कि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होगा, तो करेक्ट रिस्पॉन्स क्या मिला फ्रॉम द ग्रुप से, पूरा ग्रुप से कौन सा आंसर मिला, अम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम या फिर इंटर इंटरस्टिशियल। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन ये होगा, अम्पुला। यहाँ पे देखेंगे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन टाइप, 97% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आपका अम्पुला, 55% पार्ट ऑफ द फालोपियन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन स्थमस में रहेगा 25% रहेगा, इनफेंडिबुलम रहेगा 18% रहेगा, और इंटरस्टेशियल में रहेगा तो 2% रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए आपका कि जैसे ही 97% आपको क्या हुआ कि ट्यूबल एक्टोपिक, यही अम्पुला जो है आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 97% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन आपका अम्पुला 55% पार्ट ऑफ द फालोपियन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल एक्टोपिक एंड प्रेगनेंसी, फॉलोड बाय स्थमस 25% एंड इनफंडिबुलम 18% एंड इंटरस्टिशियल 2%। तो यहाँ मोस्ट कॉमन साइट यदि पूछता है एग्जाम में तो क्या होगा, अम्पुला होगा राइट आंसर। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है ये कि आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है ये फर्टिलाइज एग जो होता है ना, फर्टिलाइज एग इम्प्लांट कर जाता है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के बाहर में ये इम्प्लांट करेगा, और मोस्ट कॉमनली कहाँ पे करेगा आपका, फेलोपियन ट्यूब में करेगा, मोस्ट कॉमनली कहाँ करेगा, फेलोपियन ट्यूब में करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नर्स लिंडा वॉज असिस्टिंग असिस्ट या क्लाइंट विथ प्रेसिपेटेड लेबर, प्रेसिपेटेड लेबर, नर्स लिंडा है वाज असिस्ट कर ये क्लाइंट विद, साथ में क्या है, प्रेसिपेटेड लेबर है, एज एन एक्सपीरियंस नर्स ही शुड एंटीसिपेट फॉर ऑल फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, लेकिन एक को छोड़कर सभी के सभी कॉम्प्लिकेशन होंगे, सत्य आपका एक इस ऑप्शन जो होगा इसमें नहीं आएगा, पीपीएच, इंजरी टू बर्थ कैनाल, इंट्राक्रैनियल हेमरेज इन बेबी, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी होगा, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्री मैच्योर का मतलब प्री मैच्योरिटी होता है, इसका गेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ और प्लेसेंटा भी क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है, ये आपकी राइट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट ने पूछा था, बाद में कि पीपीएस पोस्टमार्टम हैमरेज इसके अंदर में आएगा, इंजरी टू बर्थ कैनाल आएगा, इंट्राक्रैनियल हैमरेज भी हो सकता है बेबी का, इन बेबी में,
देन यहाँ पे प्रेसिपिटेड लेबर जो होता है एंड कंडीशन इन विच कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज लेस देन 3 आवर्स, इंजुरी टू बर्थ कैनाल, पीपीएस, प्लेसेंटा रिटेंशन हो सकता है, यूट्राइन रप्चर, इन्फेक्शन, फीटल हाइपोक्सिया, इंट्राकेनियल हेमरेज, ट्रोमा टू फीटल स्कल और कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन। ये सारी जटिलताएं किसका है? आपका प्रिसिपिटेड लेबर का। प्रिसिपिटेड लेबर जो होता है इज डिफाइंड एज द एक्सपल्सन ऑफ द फिटस विद इन, एक्सपल्सन ऑफ द फिटस विद इन लेस देन 3 आवर्स ऑफ, देखिएगा, कॉमेंसेंट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन, लगातार क्या होगा उसकी कॉन्ट्रेक्शन होगी और 3 घंटे से पहले पहले क्या हो जाएगा उसका डिलीवरी हो जाएगा फिटर का, ठीक है। 3 घंटा से लेस देन 3 आवर्स, आपका यहाँ भी दिया हुआ कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में क्या होगा, 3 घंटे से पहले हो जाएगा, उसमें ये सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने को आपको मिलेगा किसमें, प्रीसिपेटेड लेबर में, ठीक है। राइट आंसर जो हुआ इसमें ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट, व्हाइल डूइंग पेल्विक असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन नर्स नोटिस रेड, देखिएगा, स्लो एरिया ऑफ द राइट साइड ऑफ द वेजिना, देखिए ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस, नर्स डॉक्यूमेंटेड दिस फाइंडिंग एज। यहाँ पे क्या है, व्हाइल डूइंग पेल्विक असेसमेंट, क्या किया जा रहा है, पेल्विक असेसमेंट ऑफ या प्रेग्नेंट वुमेन की, नर्स क्या नोटिस कर रही है कि रेड वहां पे है, स्वेलिंग है एरिया में, वो भी राइट साइड ऑफ द वेजिना ओरिफिक में, एंड नर्स डॉक्यूमेंट क्या करेगी फाइंडिंग में, हेमाटोमा हो सकता है, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स हो सकता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स हो सकता है, या फिर देखिएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो सकता है, 4 ऑप्शन में क्या हो सकता है। यदि आपको भी मालूम है कि वहां पे रेड हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रही है, वो भी राइट साइड ऑफ द वेजिना में, तो क्या कहते हैं हम, तो राइट आंसर जो होता है आपका ऑप्शन सी होता है, बार्थोलिन ग्लैंड कहेंगे। ये मोंटगोमेरी ट्यूबरकल जो होता है इसमें सेबासेस, इसमें ऑयल ग्लैंड्स, इसमें सेबासेस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल होते हैं, जो अपीयर होता है किसमें, स्मॉल बम्प्स अराउंड द, किसमें, डार्क एरिया जो होता है हमारे निपल का उसमें होता है ये आपका मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। यदि एग्जाम में आ जाता है कि ये कहाँ पे होते हैं, तो आपका डार्क एरिया ऑफ द निपल, ठीक है, अराउंड द डार्क एरिया ऑफ द निपल। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर, देखिएगा, होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज मेल, मेल में कौन सा होता है आपका, होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, किसमें, मेल में, लेकिन फीमेल में भी बार्थोलिन ग्लैंड जो है आपका सिक्रेट करता है म्यूकस टू लुब्रिकेंट द वेजिना, सिक्रेट करने के बाद वेजिना को क्या, लुब्रिकेंट, क्या हो रहा है आपका उसमें, लुब्रिकेंट, ठीक है ना। और फीमेल में क्या होता है कि बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है लोकेट होता है इस साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में ये लोकेटेड होता है बार्थोलिन ग्लैंड, इसलिए यहाँ पे बताया ही गया है कि राइट साइड ऑफ द वेजिना में रेड हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बार्थोलिन ग्लैंड ही होगा। नेक्स्ट है, व्हाइल एग्जामिन या प्रेग्नेंट वुमेन एग्जामिनर टैप द सर्विक्स विद फिंगर एंड फेल्ट देयर द फिटस, देखिएगा, फ्लोट्स अपवर्ड, देन सिंक बैक एंड जेंटल टैप इज फेल्ट ऑन द फिंगर, दिस फाइंडिंग इज डॉक्यूमेंट एज। यहाँ पर टैप किया जा रहा है फिंगर के साथ प्रेग्नेंट वुमेन को एग्जामिन करने के समय में, तो क्यूकनिंग कहलाएगा, बैलोटमेंट कहलाएगा, हेगार साइन कहलाएगा और साइनर साइन कहलाएगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, डियर, बैलोटमेंट। द गिवन एग्जामिनेशन टेक्निक इंडिकेट्स बैलोटमेंट, जो भी एग्जामिनेशन यहाँ पे दी गई है इंडिकेट क्या करा जा रहा है कि एग्जामिनर क्या करे, टैप द सर्विक्स, सर्विक्स को टैप करिए विद फिंगर से, और फेल्ड देयर, जब फेल्ड पा रही है वो, फिटस फ्लोटेड अपवर्ड, ठीक है ना, फ्लोट कर अपवर्ड की ओर, एंड सिंक बैक एंड जेंटल टैप इज फेल्ड ऑन द फिंगर, तो दिस फाइंडिंग इज डॉक्यूमेंटेड बैलोटमेंट होगा। क्यूकनिंग इज द फिटल मूवमेंट फेल्ड बाय मदर फॉर दिस फर्स्ट फर्स्ट टाइम, क्यूकनिंग ये कहलाता है आपका। हेगार साइंस में क्या होगा, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन की जाती है, टू फिंगर इन द एंटीरियर फॉर्निक्स एंड टू फिंगर बिलो द यूट्रस पर एब्डोमिन, एंड देखिएगा, एब्डोमिनल एंड वेजाइनल फिंगर सीम्स टू अपोज बिलो द बॉडी ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस के नीचे की ओर क्या करना है इसको, देखिए आपका हेगार साइंस में बाय मैनुअल एग्जामिनेशन की जाएगी, ये ध्यान रखना आपको, टू फिंगर से करना एंटीरियर फोनिक्स एंड टू फिंगर बिलो द यूट्रस ऑफ द एब्डोमिन, और साइनर साइड में आपका क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा परसेशन इन लेटरल फोर्निक्स एट द 8 वीक्स में, कब रहेगा, और साइनर साइंस में इंक्रीज परसेशन इन लेटरल फोर्निक्स एट द 8 वीक्स में, जब 8 वीक्स का गेस्टेशन हो जाएंगे। चारों के बारे में यहाँ पे देख लें कौन कौन सा कहाँ होगा और क्या होगा राशि। नेक्स्ट, वाइल गोइंग थ्रू द डिलीवरी नोट्स ऑफ योर मदर, While going through the delivery notes of your mother, nursing student observe कर रही, it is written as
ग्रेट अगेंस्ट टेक्निक्स सी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस मेथड इज यूज फॉर। देखिएगा डिलीवरी नोट्स ऑफ द मदर, नर्सिंग स्टूडेंट जो ऑब्जर्व कर रही है रिटर्न में कि रेटिगन साइन टेक्निक ऑब्जर्व कर रही है, रिटर्न में भी दे रही है, तो अंडरस्टैंड दिस मेथड इज यूज फॉर किसके लिए रेटिगन टेक्निक होना चाहिए, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा के लिए, टू प्रिवेंट प्रीनियल टीयर एंड टू प्रोवाइड यहाँ पे एपिजिटोमी या फिर प्रिवेंट पीपीएच। राइट आंसर इसमें ऑप्शन भी होगा, पेरिनियल टीयर को हम प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, जो आपका पेरिनियल टीयर हो जाती है उससे बचाने के लिए हम इस साइंस को यूज कर रहे, टेक्निक को यूज कर रहे हैं। रेटगन टेक्निक यूज टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर बाय सपोर्टिंग द पेरिनियम विथ योर स्टराइल टावल एंड पुशिंग द पेरिनियम डाउनवर्ड विथ वन हैंड वाइल द अदर हैंड, दोनों हैंड को आपको करना है सपोर्टिंग द बेबी हेड, वो एक हैंड से आपको टावल को पकड़ना है, क्लीन स्वच या फिर पैड जो रहेगा वहां पे, एंड बेबी हेड को एक हैंड से पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, देखिएगा यहाँ पे सुजर मैथड जो होता है या माथवेस ड्यूकेन मैथड जो होता है प्लेसेंटल सेपरेशन में काम आता है, मैथड्स एंड फंडल प्रेशर एंड कंट्रोल को ट्रैक्शन मॉडिफाई, देखिएगा ब्रैंडेड एंड्रयू, देखिए एंड्रयू मैथड आर दिस असिस्ट एक्सपल्सन मैथड। ठीक है, ये आपको फंडल प्रेशर और कंट्रोल को ट्रैक्शन की बात किया जा रहा है, सीसीटी जो होता है क्या कब होता है कंट्रोल को ट्रैक्शन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं सीसीटी करते हैं, कंट्रोल को ट्रैक्शन यूट्रस मसाज करते हैं और हम ऑक्सीटोक्सिन या मेजोप्रोस्टेरोन को देते हैं, तीन ही होता है आपका थर्ड स्टेज में। तो आपका वही चीज यहाँ पे दिया गया, फंडल प्रेशर कंट्रोल को ट्रैक्शन जो है आपका मॉडिफाई, देखिएगा ब्रैंडेट एंड्रयू मैथड जो होता है आपका असिस्ट करने में कि एक्सपल्सन मैथड होता है, एक्सपल्सन मैथड यहाँ पे जो ड्यूकेन मैथड दिया गया मैथ्यूज ड्यूकेन मैथड और सुजल मैथड, ये आपका प्लेसेंटल सेपरेशन है, यहाँ पे एक्सपल्सन मैथड है, यहाँ पे प्लेसेंटल सेपरेशन की बात किया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, पेरिनियल टीयर को हमें प्रिवेंट करने के लिए हम रेटिगेंस टेक्निक दिए जा रहे हैं, दोनों हाथ को सपोर्ट करें, एक हाथ से टॉवल और एक हाथ से बच्चे की हेड को पकड़े उससे हम डिलीवरी करवा रहे ताकि पेरिनियल को हम टीयर से बचा सके। नेक्स्ट है, फॉलोइंग प्रीटर्म डिलीवरी नर्स वॉज एजुकेटिंग मदर्स रिगार्डिंग मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फॉर हर न्यूबोर्न एडमिटेड इन निको, बच्चा क्या है निको में एडमिट है और यहाँ पे मैनुअल एक्सप्रेशन करके ब्रेस्ट मिल्क निकालने को कहा जा रहा है, आपका प्री टर्म डिलीवरी भी हुआ है। तो विच अमंग दी फॉलोइंग टेक्निक करेक्टली एक्सप्लेन द टेक्निक, कौन सा टेक्निक से वो क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्निक जो सही होगा और एक्सप्लेन करके बताई नर्स के द्वारा बताया गया, वो उसकी मदर्स जो है क्या करेगी, मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क फॉर द न्यूबोर्न एडमिटेड निकु, निकु निकु में जो बच्चा उसका भर्ती है उसके लिए वो ला सकते हैं। तो कौन सा टेक्निक अपना कर, रिटगेंस टेक्निक या फिर सुजल टेक्निक या फिर मार्मेट्स टेक्निक या फिर ड्यूकेन टेक्निक, चार ऑप्शन दिया गया डियर। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, मार्मेट्स टेक्निक जो होता है ये आपका इसमें काम आता है। ठीक है, देखिए मार्मेट्स टेक्निक इज द मैनुअल एक्सप्रेशन एंड असिस्टिंग द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। देन रेटगन टेक्निक हमने देख लिया कि प्रिवेंट करता है पेरिनियल टीयर को, एंड सर्जल टेक्निक एंड ड्यूकेन टेक्निक अभी देखे कि हमारा प्लेसेंटा को एक्सपल्सन करने में काम आता है, मदद करता है, ये सारे टेक्निक अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर योर मदर हु इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड रिसीविंग ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन, यहाँ पे देखिएगा नर्स इज केयरिंग फॉर मदर, मदर को केयर कर रही है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या कर रहा है, किया जा रहा है ऑक्सीटोक्सिन को दे दिया जा रहा है। विच अमंग दी फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट इट्स डिसकंटिन्यूएशन, कब आपको डिसकंटिन्यू कर देना है, गुड मैटरनल बियरिंग डॉट इफेक्ट या फिर फोर कॉन्ट्रेक्शन अकरिंग इन एवरी 10 मिनट या फिर फीटल हार्ट रेट कितना हो जा रहा है 80 ब्रेथ पर मिनट या फिर इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, फीटल हार्ट रेट कितना 80 से ब्रेथ पर मिनट, तो आपको क्या करना है डिसकंटिन्यू करना, ये आपको सजेस्ट हो, फीटल हार्ट रेट 80 ब्रेथ पर मिनट यहाँ पे देखा जाए इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिएगा फीटल डिस्ट्रेस एंड नीड फॉर डिसकंटिन्यू ऑफ ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन, क्या करना है इसको फीटल डिस्ट्रेस में, ऐसा ना हो कि फीटल डिस्ट्रेस हो जाए बच्चा का प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए क्या करना ऑक्सीटोक्सिन को इन्फ्यूजन को बंद कर देना है। गुड मैटरनल बियरिंग डॉन इफर्ट एंड लेस देन 5 कॉन्ट्रेक्शन इन 10 मिनट्स आर नॉर्मल, ऑक्सीटोक्सिन हैज एन एंटी डायबिटिक इफेक्ट, ये चीजें यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इसमें क्या किए हम स्टॉप कर दिए कि हमारा फीटल हार्ट रेट उनको क्या मिलने लगा था 80 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, यदि 120 से कम रहा तो भी आपका फीटल डिस्ट्रेस में जाता है और 160 से ज्यादा रहा तो
ये फिटल स्टेज में ही जाता है, ठीक है ना। तो आपको 120 से 160 के बीच में उसकी क्या करना है, हार्ट रेट होना चाहिए फिटल का, ठीक है। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नॉर्मल कितना होता है, 120 से लेकर कितना होता है, 120 से लेकर 160 ब्रेथ पर मिनट बीपीएम, ठीक है। 120 से कम रहेगा फिर भी वो फिटल स्ट्रेस में जाएगा, और 160 से ज्यादा रहेगा तो भी आपका फिटल स्ट्रेस में जा गया। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ द ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, ठीक है, इन द ब्लड बच्चों की। नेक्स्ट है, नर्स एजुकेटर वॉज टेकिंग क्लास ऑन पार्टोग्राफ, क्या करी, नर्स एजुकेटर जो है वॉज टेकिंग क्लास ऑन पार्टोग्राफ के ऊपर ली जा रही क्लास, एंड द एंड ऑफ द क्लास जब एंड हो गई क्लास तो सी वॉज इवैल्यूएट कर रही है हर स्टूडेंट से, विच स्टेटमेंट मेड बाय द स्टूडेंट इंडिकेट द फर्दर एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, स्टूडेंट के द्वारा क्या स्टेटमेंट इंडिकेट किया गया वो भी एक्सप्लेनेशन के बाद, क्या जरूरी है सबसे ज्यादा स्टूडेंट को बताना, या क्या उनके द्वारा समझाया गया और स्टूडेंट लोग ने क्या समझ के जवाब दे रही है, स्टूडेंट के द्वारा क्या रिप्लाई मिल रहा है। इन पार्टोग्राफ अलर्ट लाइन स्टार्ट एट 3 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन, इन पार्टोग्राफ फीटल हार्ट रेट इज रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट्स, या इज स्क्वायर इन सर्वाइकल डायलेटेशन पार्ट इंडिकेट 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन, या एक्शन लाइन इज पैरेलल एंड 4 आवर्स टू द राइट ऑफ द अलर्ट लाइन। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी ये होगा कि हमारा पार्टोग्राफ अलर्ट लाइन स्टार्ट कब करेंगे, जब हमारा 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाती है तब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, 4 इसलिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन में क्या कर रहे हैं स्टार्ट कर देना है, जो कि यहाँ पे रैशनल में दी गई है। देखिएगा, इट इज कम्पोजिट ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट ऑफ द हेड अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन आवर्स, इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीटल एंड मैटरनल कंडीशन दैट आर ऑल रिकॉर्डेड ऑन सिंगल सीट ऑफ पेपर, एक ही पेपर रहता है पार्टोग्राफ का सीट जो रहती है। पार्टोग्राफ अलर्ट लाइन तभी स्टार्ट करते हैं जब हमारा 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑल अदर स्टेटमेंट गिवेन रिगार्डिंग पार्टोग्राफ आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है, वो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था डियर, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें, एंड इंस्टाग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा एंड फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर लेना है, उबेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से आपको